हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं सुबह के 7। आज मैं एक्चुअल में उठने वाली थी 5 बजे। मुझे आज खाना नहीं बनाना है क्योंकि आज पापा का श्राद्ध है, तो मम्मी क्या खाना है। पर मैं आज सुबह जल्दी उठ के पूरा थोड़ा साफ सफाई का काम स्टार्ट करने वाली थी, पर मुझसे उठा ही नहीं गया। देखिए मुझे कितनी नींद, अभी तक नींद पूरी नहीं हुई है। तो मैं उठी हूँ 6:30 को। मैंने अतिथि को फ़ोन किया और उसको भी उठाया, उसने भी 4 बजे का अलार्म लगाया था पर वो भी नहीं उठ पाई है। और मेरी सर्दी थोड़ी सी अभी अच्छी हुई है, 3-4 दिन से सर्दी थी इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना रही थी। बहुत ही ज़्यादा मेरा आवाज़ बैठ गया था, अभी थोड़ा सा आज मुझे ठीक लग रहा है। और आज मुझे वॉशिंग कपड़े क्लोथ्स धोने नहीं है। किसी का वीडियो देखा था, उसमें बोला किसी ने कि श्राद्ध के दिन कपड़े धोते नहीं है, तो फिर मैंने आज स्किप कर रही हूँ वो कपड़े धोने का काम भी। और मेरा आंगन का काम तो ऐसे ही रह गया है। अब मैं मेरे लिए चाय बना रही हूँ। चाय के लिए तपेली रेडी किया है मैंने और अब मैं चाय बना रही हूँ मेरे लिए। पहले चाय पीऊँगी और उसके बाद थोड़ा सा काम पे लगूंगी। इस बीच में मुझे एक वीडियो शूट करना है नवरात्रि के 9 कलर के बारे में, तो वो वीडियो में आज मुझे किसी भी कीमत पे वो अपलोड करना है, क्योंकि मैं अगर नवरात्रि के 9 कलर आपको बताऊंगी नहीं तो आप कैसे फॉलो करोगे वो कलर। और यह महाराष्ट्र में ना हम लोग सब पूरा वो कलर, देवी के 9 कलर 9 दिन पहनते हैं। और देवी कोई भी मंदिर रहेगा ना तो वहाँ पे भी देवी को भी वही कलर के कपड़े पहनाते हैं। और कहीं भी जाओ, ऑफिस में जा रहे लेडीज या रास्ते पे, देवी का जिस दिन जो कलर रहता है उसी दिन के कपड़े पहन के सारे दिखते हैं और सब एक दूसरे को देख के स्माइल देते हैं। बहुत अच्छा 9 दिन, बहुत अच्छा वातावरण होता है। शायद इस दिन 8 दिन मिल रहे हैं और 9वां दिन दशहरा है लगता है। देखिए तो मैं आज वो वाला वीडियो शूट करके आज अपलोड कर दूंगी। पहले नवरात्रि के 9 कलर कौन से हैं और आज का ये व्लॉग तो अभी से स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। और अब भी मैं जस्ट उठी हूँ और मैंने वीडियो स्टार्ट किया है। तो चलिए गाइस, पहले चाय पीते हैं और उसके बाद मिलते हैं। शक्कर खत्म हो गई है तो शक्कर डब्बे में निकाल लेती हूँ। और मेरे चाय चढ़ा दिए गाइस। ओह गॉड, स्कूल का म्यूजिक चालू हो गया गाइस। मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, नहीं तो मुझे कॉपीराइट आ जाएगा। पीछे म्यूजिक चालू है, गाना लगा दिया है उन्होंने। मॉर्निंग में उन लोग का गाना चालू हो जाता है 7:30 को, तो मैं मिलती हूँ 5 मिनट्स के बाद, वो गाना खत्म होने के बाद। तब तक मेरी चाय बन जाएगी। गाइस सुबह ये जब गाना आता है ना तो इतना मोटिवेशन मिलता है सुबह सुबह, बहुत अच्छा लगता है ये गाना बजता है तो। पूरा मेरा फेस स्वेलिंग हो गया है क्योंकि सर्दी की वजह से, और हमको मन की शक्ति देना, बहुत अच्छा गाना लगता है, रोज मुझे सुनने को मिलता है। देखिए और मेरी चाय पक रही है, मैंने बहुत सारा मसाला डाला है इसमें ताकि मेरी सर्दी अच्छी हो जाए जल्दी से। चाय बन गई है गाइस, चाय छान लेती हूँ मैं। चलिए पहले चाय एंजॉय करते हैं, आप भी चाय पी लो फ्रेंड्स। मॉर्निंग में चाय के साथ मैं मेरी बीपी की मेडिसिन खाऊंगी
ये बीपी है ना गाइस, मुझे अतिथि जब हुई थी ना तब से मुझे लग गया है। डिलीवरी के टाइम जो हमें बीपी होता है ना, तो वो बाद में कंट्रोल में आ जाता है, पर पता नहीं मेरा बीपी, मैंने ध्यान नहीं दिया। बाद में मुझे चेक करके, मेरे डोज एडजस्ट करके मुझे बीपी की गोली बंद करनी चाहिए थी, पर मैंने डेली खाने लगी। और उसके बाद आज 20-22 साल की अतिथि हो गई है, पर मेरी बीपी की गोली चालू ही रही। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने प्रॉपरली चेक नहीं कराया और बस दवाई खाती रही। तो अब मैं यूज्ड टू हो गई हूँ वो बीपी की गोली खाने से। तो अब मुझे ना खाऊं तो मेरा सर दुखता है, तो मुझे आज ये गोली लानी है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक गोली बची है और वो आज मैं ख़त्म कर दूंगी। और कल मॉर्निंग के लिए मुझे दूसरी गोली अब ख़रीदनी पड़ेगी। मैं ऑलरेडी ला के रख देती हूँ एक पत्ता और, पर इस बार मैं रोज़, और कल संडे था मेडिकल स्टोर हाफ डे बंद था तो मैं भूल ही गई, मैं बिफोर टाइम ही ला के रखती हूँ। कभी कभी मैं दो पत्ते भी ले लेती हूँ, क्योंकि इसमें 15 गोली है तो 15 दिन ये एक पत्ता चलता है, तो मुझे और लेना चाहिए था। एक्चुअल में मैंने बहुत बड़ा गलती किया कि मुझे उस टाइम पे पूरा अपना चेकअप करवा लेना चाहिए था। डिलीवरी का बीपी बढ़ना नॉर्मल बात है, उसके लिए बीपी की गोली नहीं चालू होनी चाहिए, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अतिथि बहुत डेलिकेट हुई थी, पूरा उसका 1 मंथ तो हॉस्पिटल में ही, 15 दिन तो हॉस्पिटल में थी वो, उसके बाद वो बहुत डेलिकेट थी, उसको संभालने में बहुत 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 परेशानी थी। उसमें मैं मेरी खुद का बारे में ध्यान ही नहीं दिया मैंने, और ये गोली मुझे लग गई है। लेडीज़ लोग को तो क्या क्या प्रॉब्लम। ये एक नींबू का पौधा है जो मैंने इसमें से इसमें ट्रांसफ़र किया है। इसमें मैंने ऐसे ही बीज डाले हुए थे ये डब्बे में, तो ये डब्बा टूट गया है, तो बीज डाले थे तो नींबू का झाड़ उग गया, तो मैंने फिर इसको ये छोटे से इसमें ट्रांसफ़र किया है। थोड़ा सा उसमें अच्छा हो जाएगा, फिर मैं ज़मीन में लगा दूँगी। आज मुझे यहाँ थोड़ी साफ़ सफाई करनी है, पर सोच रही हूँ करूँ या नहीं करूँ आज, क्योंकि ये सब झाड़ मुझे थोड़े थोड़े तोड़ने पड़ेंगे, छाटनी करनी पड़ेगी, तो करूँ या नहीं करूँ वो सोच रही हूँ मैं। इसको शायद तो आज करूँगी या कल करूँगी, कल तो होगा नहीं, कल फिर से खाना बनाना है, खाना बनाने में पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो साफ़ सफाई का काम कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया आज श्राद्ध है पापा का, तो आज कपड़े वॉश नहीं करने हैं, तो कपड़े मैं ऐसे ही रखे रही हूँ, कल वॉश करूँगी इसको। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी मैंने एक वीडियो शूट किया है नवरात्रि के 9 कलर के बारे में, जो मैं आज अपलोड कर दूंगी, तो आप मेरा वो वीडियो जरूर से देखिएगा। इसके पहले ये वो वाला वीडियो आ जाएगा। और आज है पापा का श्राद्ध, तो अब मैं जाऊंगी मम्मी के यहाँ। अभी मेरा सर्दी थोड़ा अच्छा है, मैंने शावर ले लिया है, और मम्मी के यहाँ देखती हूँ क्या बन रहा है। सच बोलूँ तो गाइस, आज पापा का श्राद्ध है, पर मुझे पप्पा के लिए इतना दुख नहीं होता है जितना मुझे धवल के लिए होता है। मतलब धवल का श्राद्ध था तो मैं रो रो के आखा दिन निकाली थी, और ना ही मैंने कुछ खाना खा पाई, और बिल्कुल नहीं, मतलब मुझसे सहन ही नहीं होता है, मुझे बहुत रोना आता है। पता नहीं, मेरा और धवल का रिलेशन ही ऐसा था, एक बेटे की कमी मेरी पूरी कर देता था वो। मतलब कहीं भी जाना हो, कुछ हो, रात को 2 बजे भी वो रेडी रहता था मेरे साथ, और पूरा सब सारा डिसीजन मैं उसी के साथ मिलके करती थी। जय तो आउट ऑफ स्टेशन रहते, तो मुझे कुछ भी कोई चीज़ खरीदी करनी है, पार्लर पे कोई प्रॉब्लम आई या मुझे बाइक की कुछ प्रॉब्लम आई, कहीं जाना है, तो धवल मेरे साथ ऑलवेज रेडी रहता था, तो इसलिए मुझे उसकी कमी बहुत खलती है। और पप्पा का क्या है, पप्पा की तो एज हो गई थी, और पप्पा को 4-5 साल पैरालिसिस भी था, तो पापा की तकलीफ ना देखी नहीं जाती थी। मतलब हम बहुत पापा का ध्यान रखते थे, सभी लोग, हम सारे भाई बहन सब मिलके, सब लोग पापा का बहुत ध्यान रखते थे। पर पापा ना डिपेंडेंट हो गए थे दूसरों पे, मतलब पापा को बिठाना हो तो भी पापा को हेल्प लगती थी, तो पापा को ये सब अच्छा नहीं लगता था।
भाई सर्दी है मुझे थोड़ी, तो इसलिए ना पापा के जाने से मतलब इतना दुख तो होता ही है हर किसी को, अपने माँ बाप की जगह तो कोई नहीं भर सकता है, पर पापा के जाने से इतना फील नहीं होता है। मतलब आज इजीली मैं मम्मी के यहाँ जा सकती हूँ बिना रोए धोए, पर जिस दिन धवल का श्राद्ध था उस दिन तो मेरी हालत खराब थी। मतलब 3-4 दिन पहले से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि ये दिन भगवान ना आए तो अच्छा, कैसे मैं सहन करूंगी। तो गाइस चलिए अब चलते हैं मम्मी के यहाँ और देखते हैं श्राद्ध की क्या तैयारी चल रही है। आज का व्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट कर दिया है, 2-3 दिन से कोई व्लॉग नहीं डाला था, आज मैंने अभी एक नवरात्रि के कलश के लिए व्लॉग बनाया है, व्लॉग इन द सेंस वीडियो बनाया है गाइस। और चलिए मम्मी के यहाँ चलते हैं, देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं, और उसके बाद मुझे तो पार्लर पे जाना है, फिर दोपहर को मैं मम्मी के यहाँ जाऊंगी पापा को धूप दिखाने। ओके गाइस तो चलिए चलते हैं। बहुत गर्मी है, पहले पानी पीती हूँ। गाइस इतना भाग भाग के पार्लर पे आई ना, गर्म हो गई है पूरा, बाल खोल देती हूँ और मम्मी के यहाँ जाके आई। अभी थोड़ा लेट डालने का है धूप, 11:30 का टाइमिंग है तो थोड़ी देर के बाद करेंगे, और पूरा पसीने में मैं तरबतर हो गई हूँ, तो थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, एसी चालू करूँगी और फिर बाद में पार्लर का काम शुरू हो जाएगा। देखिए कितना गर्म हो गया है, जस्ट मैं अभी पार्लर पे आई हूँ और मैंने वीडियो ऑन कर दिया। मैं बोली कि चलिए आपसे थोड़ा सा मैं बात कर लेती हूँ, मम्मी बोल रही थी काजल बहुत फैल गया है। ठीक है, तो कल क्या हुआ मालूम है, एक आंटी मिली मुझे बाहर, बोल रही थी कि कल श्राद्ध है पर कौवे कहीं देखने रहे। मेरे ध्यान में नहीं था ये बात, लेकिन मैंने भी मार्क किया कि सच में कौवे बहुत कम हो गए हैं, पहले पहले के मुकाबले में आजकल कबूतर बहुत बढ़ गए हैं। और कौवे पहले मुझे ऐसे लग रहा था सिर्फ चिड़िया लोग ही कम हो गई है, पता नहीं किस लिए ये सब ज़्यादा ही सब बिल्डिंग बन रही है और ग्रीनरी बहुत कम होती जा रही है, तो इस तरह से सब बर्ड्स भी कम हो रहे हैं। तो जब उसने बोला ना, कोई एजेड इंसान अपने को कुछ बोलता है तो वो तो सोच समझ के ही बोलते होंगे ना, तो पर सच में मैंने आज मार्क किया ना तो कौवे बहुत कम दिख रहे हैं, जिस तरह से चिड़ियाएं नहीं थी ना उस तरह से कौवे भी बहुत कम हैं, पता नहीं। और ऐसा तो नहीं होता है ना कि सारे पूर्वज कौवे ही बनते होंगे, ऐसा तो नहीं होता है, पर ये एक मान्यता है कि सब लोग श्राद्ध के दिन भेला होते हैं और एक साथ खाना पीना खाते हैं, शायद इसीलिए ये प्रथा चली आ रही होगी, पता नहीं। साइंटिफिक रीजन तो मुझे इसके पीछे कुछ मालूम नहीं है और उसके पीछे का लॉजिक भी मुझे कुछ मालूम नहीं है, पर हाँ सब लोग करते हैं और हर कोई करता है, पर ये दिन मुझे अच्छे नहीं लगते सच में, स्पेशली जब धवल का श्राद्ध आता है ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब 2-3 दिन तो मेरा मूड ही आउट हो जाता है, और पता नहीं वही वो कल आंटी बोल रहे थे कौवे नहीं दिख रहे, क्या सारे पूर्वज कौवे थोड़ी ना बनते होंगे। चलिए अब ये तो सब लॉजिक है, पता नहीं क्या है इसके पीछे का साइंस, पता नहीं ये तो इंसान के जाने के बाद वो कहाँ जाता है क्या होता है उसके बारे में कोई जान नहीं सकता है, वो तो जब हम जाएंगे तभी पता पड़ेगा कि क्या होता है उसके बाद, उस इस दुनिया के ऊपर कौन सी दुनिया है पता नहीं। तो चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, उस बीच में मैं वो वाला वीडियो अपलोड कर देती हूँ नवरात्रि के 9 कलर वाला। तो गाइस अभी बचे हैं 12:15 और भाई का फोन आ गया था और धूप दिखा दिया है पापा को, तो मैं भी जाती हूँ मम्मी के घर।
और धूप दिखा देती हूँ पापा को, ओके। तो चलिए आप भी चलिए मेरे साथ मम्मी के घर पे। इस बीच में मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, लेकिन वो अभी तक प्रोसेसिंग ही दिखा रहा है, पता नहीं आया नहीं है, देखते हैं थोड़ी देर के बाद क्या होता है। जैसे पार्लर का दरवाजा खोला, बाहर पूरे वातावरण में बस धूप की खुशबू ही फैली हुई है, धुआं और जो धूप डालते हैं पूरा बाहर वातावरण में सब दूर, क्योंकि आज सबका लास्ट श्राद्ध है, तो सबके घर में श्राद्ध होगा, तो पूरा स्मेल उसी तरह का फैला हुआ है, घी का, धुएं का पूरा। आज के दिन मेरे पापा से यही प्रार्थना है कि हम सबको बहुत खुश रखें। मैं मम्मी के यहाँ से आ गई हूँ, कुछ सैड फीलिंग आने लगी थी वहाँ पे, तो मैंने कुछ शूट नहीं किया ज़्यादा कुछ, और बस पापा को धूप दिया और खाना खाई और मैं आ गई हूँ पार्लर पे अभी गाइस। और कभी कभी ऐसा होता है, नहीं अच्छा लगता है, मतलब सैड मूड, सैड हो जाता है। एक्चुअल में मुझे क्या पता, कुछ अच्छा नहीं लगा, और मैंने जल्दी जल्दी में थोड़ा सा खाना खाया और फिर मैं आ गई। मैं आपके लिए कुछ शूट नहीं कर पाई वहाँ पे ज़्यादा कुछ, और अब मैं आके पार्लर पे बैठी हूँ और क्लास वाले अभी आएंगे मेरे, और बस। तो गाइस दोपहर हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और 2:30 हैं, अब आएंगे क्लास वाले, आते ही होंगे 2:30 तक, और उसके बाद उनको कुछ, आज तो सब हर कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि उनके घर पे भी सब आज लास्ट अमावस्या है, मतलब सर्वपितृ अमावस्या है, तो आज सभी के घर में श्राद्ध रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई स्टूडेंट आएंगे, देखते हैं बस ऐसे ही। तो लेज़ी सा लग रहा है थोड़ा सा, तो बस थोड़े बहुत, अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया, मतलब पहले भी अपलोड कर रही थी कब से, तो वो ना थोड़ा सा मैंने पेज मेरे हाथ से बंद हो गया, तो वो प्रोसेसिंग में चला गया और प्रोसेसिंग हो ही नहीं रहा था, फिर मैंने उसको डिलीट किया और उसके बाद वापस से मैंने मम्मी के यहाँ से वापस आई ना, तभी मैंने वापस से उसे अपलोड किया, तो आखिर में वो अपलोड हो गया है नवरात्रि का नौ कलर्स वाला वीडियो। तो जब तक आप मेरा ये वीडियो देख आएगा, तब तक तो वो वाला वीडियो आ चुका होगा। तो गाइस चलिए अब मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नए व्लॉग में, बाय बाय।